Am I now audible to all of you? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So, in the net present value method, we have taken one exercise. So here, so as per our exercise, 2,72,419, when you divide with the 2,50,000, you will get the answer 1.09 as per our previous exercise. Now the question is asked here, should this project be accepted? क्या इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए? यहाँ पे देखो आंसर तो प्रीवियस वाले का आंसर है, आंसर हमारा आएगा यस, हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमने ये दूसरा एक्सरसाइज लिया है, पहले वाले का डेटा था। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, द पी प्रॉफिट इंडेक्स इज मोर देन वन, यहाँ पे 1.09 है, मतलब ये मोर देन वन है। इसलिए इसको एक्सेप्ट करेंगे। दिस मीन्स दिस प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल। तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हमें करना कुछ नहीं होता है, जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है उसमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को डिवाइड कर देना है इनिशियल कैश आउटले से, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल जाता है। इसी फॉर्मूला को
हम बता सकते हैं इसे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, उसको डिवाइड कर देना है इनिशियल कैश आउटले से। अब ज्यादा कुछ इसमें नई चीज नहीं है, आपको ये फर्स्ट ये वाली मेथड का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नाउ द लास्ट मेथड इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दिस इज अवर लास्ट मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, एवी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। जैसे आपने आगे वाली जो मेथड देखी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वही मेथड है। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर हमें करना है और हमें एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाए। इस मेथड में आप देख सकते हो एक फॉर्मूला दिया है कि इनिशियल कैश आउटफ्लो शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। इन सब का जो भी टोटल करोगे वो टोटल और हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अभी एक एक्सरसाइज लिया था तो उसमें इनिशियल कैश आउटफ्लो 2,50,000 था, तो हमें एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है जिससे हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का वैल्यू भी 2,50,000 आए। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न इंटरेस्ट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो। अब ये दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तो उनका डिफरेंस जीरो आएगा, इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगा। आईआरआर क्या है, आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स, मतलब इक्वल कर देता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट। दोनों इक्वल हो जाएंगे। वेन एनी प्रोजेक्ट जनरेट्स अनइवन कैश फ्लो द आई आर आर कैन बी फाउंड आउट बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, जो हमें इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। इफ द कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो इज लोअर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो अ लोअर रेट शुड बी ट्राई। ये सब एक्सरसाइज की मैटर है जो मैं आपको वहां पे आके बताऊंगा। डिसीजन का क्राइटेरिया क्या है, डिसीजन का क्राइटेरिया इफ आई आर आर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सेप्टेड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो आपका जो आईआरआर यहाँ पे आएगा अगर वो ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। इफ द आईआरआर इज लेस देन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। तो ये आईआरआर मेथड है। अब एक एक्सरसाइज ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये वही एक्सरसाइज है जो हमने पहले लिया था। जोशी इज इवेल्युएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, ही हैज डिटरमाइन द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो दैट इज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स आर गिवन 10,000, 12,000, 15, 10 एंड 7, 5 साल का कैश फ्लोज दिया है। इनिशियल कैश आउटले 40,000 है, तो आईआरआर कैसे काउंट करेंगे। अब यहाँ पे आईआरआर फाइंड करने के लिए हमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करना पड़ेगा और हमें एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है जहाँ पे इनिशियल कैश आउटले और फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दोनों इक्वल हो जाए। तो अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, तो उसको हम अलग अलग मेथड से ट्राई करते हैं। तो आईआरआर का सॉल्यूशन देखो यहाँ पे ये खाली बताया है कि आपका जो 40,000 इनिशियल कैश आउटले है वो इनिशियल कैश आउटले एग्जैक्टली इक्वल हो जाना चाहिए। ये जो फ्यूचर में आपको कैश इनफ्लोज मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे उसके टोटल की जितना 40,000 होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होता है। नाउ द सॉल्यूशन स्टार्ट्स। लेट अस टेक आईआरआर एट 10%। हम 10% से ट्राई करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया है आपको इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में टेबल नंबर 3 यूज करना है।
स्टार्टिंग में आपको इनिशियल कैश आउटले दे दिया हुआ है यहाँ पे 40,000 रुपीज, उसको इक्वेट करना है 10,000 इनिशियल कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का, 12,000 दूसरे साल का, 15, 10 और 7 दिया है, उसको आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल जो है आपका टेबल नंबर 3, उसमें 10% वाला रेट लोगे, पहले साल का, दूसरे साल का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का। फोर्टी थाउजेंड आपका कॉमन रहेगा। अब हम फर्स्ट ईयर का वहां पे लेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है 10% में 9.909 आ रहा है, सेकंड ईयर का आएगा 0.826, थर्ड ईयर का वहां पे इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में वैल्यू दिया होगा 0.751, वो टेबल मैंने शेयर किया है, उसकी आपको एक जेरोक्स रखनी पड़ेगी साथ में, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, वहां से वैल्यूज लिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दिस यू विल गेट 9,090,9,912, इन सबको अब आप टोटल कर दोगे तो टोटल बन रहा है यहाँ पे 41,444, और हमारा इनिशियल कैश आउटले 40,000 था। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी वैल्यू है 40,000 और यहाँ पे हमारा ये आंसर आ रहा है 41,444। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कोई दूसरा रेट ट्राई करना है, ये 10% का रेट बहुत लो है, तो 10% से दोनों इक्वल नहीं हो रहे, अब हम नया रेट ट्राई करेंगे, तो दूसरा रेट ट्राई करते हैं, लेटेस्ट ट्राई IRR है 15%, तो 15% से ट्राई करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, वही प्रोसेस फिर से करनी है और इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में से 15% वाला रेट का जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से। तो फिर से फॉर्मूला लिख दिया है 40,000, सारे कैश इनफ्लोज लिख दिए हैं 10,000, 12,000, 15, 10 एंड 7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% से फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, तो वहां पे आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर की वैल्यू अगर आप वो टेबल देखोगे तो वहां पे 0.870 लिखा होगा, सेकंड ईयर की 0.756 होगा, ये ऑलरेडी उस टेबल में से हमें लेना है, एग्जाम में आपको ये रेडीमेड दिया जाएगा, साथ में क्वेश्चन के बाजू में दिया जाएगा ताकि आपको वो टेबल में सर्च ना करना पड़े। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यूज आपको मिलेगी जो यहाँ पे बताई हुई है, फिर टोटल कर दोगे तो 36,841 आ रहा है। अब फिर से आप देखो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, मतलब 15% से भी इक्वल नहीं हो रहा है, 10% भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो हमने 10% से काउंट किया तो 10% से 41,444 आ रहा है, 1444 का डिफरेंस आ रहा है, 15% से ट्राई किया तो कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 40,000 की वैल्यू इन 2% के बीच में होगी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले इस मैटर को समझ लो, ये दो सॉल्यूशन को समझ लो, आपने 10% ट्राई किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आपका आ रहा था 41,444, 15% ट्राई किया तो वैल्यू आ रहा था 36,841, अभी हमने क्वेश्चन में देखा, मतलब
2% का डिफरेंस 5% है, एक 10% ट्राई किया, एक 15% ट्राई किया, और ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4603। अब हमें चाहिए कितना, 40,000 चाहिए, तो 40,000 ये दोनों के बीच में होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारी 40,000 की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। तो हमें वही फाइंड करना है कि वो रेट कौन सा है जहां पे ये वैल्यू 40,000 आ जाए, इन दोनों के बीच में ये वो वैल्यू होगी। तो वो कौन सा रेट होगा जहां पे दोनों वैल्यू 40,000 हो जाए, तो वही हमें अभी फाइंड करना है। तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमें ये इजीली मिल जाएगा। अच्छा, बाजू का टेबल देखो, 10% के हिसाब से हमारे पास वैल्यू है 41,444। वो कौन सा रेट होगा जहां पे वैल्यू 40,000 होगी। अब हमें देखो डिफरेंस मिल रहा है, 10% से 41,400 है और हमें चाहिए 40, तो डिफरेंस आ रहा है 1,444। तो अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस वैल्यूज को ध्यान में रखो और हम IRR को फाइंड करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो वही वैल्यूज लिखी हुई है, 10% से 41,444 लिखा। देखो 10% मतलब 1 का 10% मतलब 0.10, इसलिए यहाँ पे 0.10 लिखा है। तो 10% से 41,444, 15% से 36,841, वही चीज फिर से बताइए, इन दोनों के बीच में 40,000 आना चाहिए। अब 10 और 15 का डिफरेंस है 0.5, तो वो डिफरेंस आ रहा है 4603, जो अभी मैंने टेबल में भी आपको बताया था 4603, वही चीज यहाँ पे बताइए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल स्टेप आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो अमाउंट आपका कम पड़ रहा है उसको लेना है 1,440, और जो डिफरेंस आ रहा है दो रेट का वो लेना है 0.05 मतलब 5%, इसको डिवाइड कर देना है वो दोनों रेट का टोटल डिफरेंस जो 4603 आ रहा था। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 0.0157, 0.0157। एक्स मतलब हम वो डिफरेंस की अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास अब IRR बन रहा है 0.10 मतलब 10% प्लस 0.157 मतलब 11.57%। अगर आप 11.57% से ट्राई करोगे तो आपका जो वैल्यू है 40,000 दोनों में इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड।
ये टेक्निक्स थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको। ये जो मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बताया है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में कोई रेट नहीं दिया होगा, तो आपको अलग अलग रेट ट्राई करने हैं। तो सबसे पहले हमने 10% से फाइन किया, फिर हमने 15% ट्राई किया, दोनों का जो वैल्यूज आया उन वैल्यू का डिफरेंस लिया जो 4603 आ रहा था, फिर हमारी जो वैल्यू है 40,000 है, तो 40,000 हमें कहाँ मिलेगा वो फाइंड करना है। उसके लिए आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो वही सारी फिगर्स लिखी हुई है। टेन परसेंटेज से तो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, पर वो ज्यादा है। तो हमने क्या किया, जो डिफरेंस का अमाउंट था 1440 उसके लिए परसेंटेज फाइंड किए, जो आ रहा है 1.57%, या तो 0.0157। इसको आप वन पॉइंट 57% भी बोल सकते हो। फिर क्या किया हमने, हमें IRR चाहिए, तो 0.10 मतलब 10% वाला वैल्यू तो है, और ये 0.157 आया, तो हमारा आंसर आ रहा था 0.1157। अब परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.57। तो 11.57 पे IRR ऐसा बन रहा है जहां दोनों वैल्यू इक्वल होगी, 40,000 रुपीज दोनों का इक्वल होगा। ओके नाउ, अब हमारे पास IRR आ गया है 11.57। अब सवाल ये बनता है कि क्या इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हर्डल रेट भी कहा जाता है उससे कंपेरिजन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक एजम्पशन दिया है, द मैनेजमेंट ऑफ जे फर्म हैज डिटरमाइंड दैट हर्डल रेट दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%, एजम्पशन है। तो क्या इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, तो आंसर आ रहा है नो। क्यों नो, क्योंकि हमारा IRR आ रहा है 11.57 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 13%, तो कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, रिटर्न इज लो देन द कॉस्ट। हम मार्केट से रुपया कलेक्ट कर रहे हैं तो 13% देना पड़ रहा है और हमको रिटर्न मिल रहा है 11.57। सो इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आंसर में नो लिखा हुआ है। तो दिस इज रिगार्डिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो हमने इस क्वेश्चन को अलग अलग रेट से, एक ही क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू किया था, बीच में एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए थे, तो फाइनली हमने ऐसा देखा कि पेबैक पीरियड मेथड से हमारा डिसीजन आ रहा था कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। IRR से अभी हमने डिसीजन लिया रिजेक्ट करो, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिजेक्ट करो, प्रॉफिटेबल इंडेक्स 1 आ रहा था तो रिजेक्ट करो, 1 से कम आ रहा है तो रिजेक्ट करो। तो ये अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे, ये जस्ट आपको खाली बताने के लिए रखा था ये। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज सिंपल वे में बता रहा हूं IRR मेथड का। अभी तक अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझो। देखो, फाइंड द IRR ऑफ एन इन्वेस्टमेंट हैविंग इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ 2,80,000। एक नया एक्सरसाइज ले रहा हूं इसी IRR मेथड को समझने के लिए।
क्वेश्चन को आप पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ इनिशियल कैश आउटप्ले यहां पे दिया हुआ है 280,000। द कैश फ्लो एट द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर आर एक्सपेक्टेड टू 72, 97, 105 एंड 110,000। 4 साल का आपको कैश इनफ्लोस दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें बोला है कि IRR फाइंड करो, तो अलग अलग रेट से हम इसको ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में लिखा है लेट अस ट्राई 10%। तो आपको क्या करना है, सारे इयर्स लिख देने हैं, कैश फ्लोज जो दिए क्वेश्चन में वो लिख देना है, और डिस्काउंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो 10% से हम फाइंड करेंगे। तो उस इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में से उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये 4 वैल्यूज लिख दिए यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रही है आपको, जो आपको उस टेबल से मिलेगी। इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली सारी वैल्यूज मिल जाएगी, जो यहाँ पे आप लास्ट कॉलम में देख सकते हो, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यूज। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी। फिर उसका हम टोटल करेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। टोटल करना है आपको, उस टोटल में से आप क्या करोगे, आपका जो इनिशियल कैश आउटले है उसको आप माइनस कर दोगे। उसमें से आप इनिशियल कैश आउटले, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी बोलते हैं, या तो इनिशियल कैश आउटले जो हमारा 2,80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा इसका नेट, जो होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 19,555। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। पर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नहीं सीख रहे हैं अभी, हम IRR मेथड सीख रहे हैं। IRR में हमें क्या करना है, हमें ऐसा रेट ट्राई करना है जिसमें दोनों की वैल्यू 2,80,000 आ जाए। ये दोनों वैल्यू 2,80,000, तो 10,000 10% से नहीं आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया रेट ट्राई करेंगे। चलो 13% से ट्राई करते हैं, तो लेटेस्ट ट्राई 13%। तो फिर से इयर्स लिख देना है, कैश फ्लोज लिख देना है, इयर्स लिख दिया आपने, कैश फ्लोज लिख दिए। तो फिर 13% वाला इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में से वैल्यूज लिखोगे, जो आपको ये सारी वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से मिल जाएगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कैश फ्लो के साथ, तो लास्ट वाला कॉलम आपको मिल जाएगा। ये 4 वैल्यू जो है लास्ट में दिखी वो आपको मिलेगी, उसका टोटल कर देना है आपको। तो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो जाएगा, इन सबका टोटल करोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। उसमें से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दो, जिसको हम इनिशियल कैश आउटले भी कहते हैं, तो वैल्यू आ रहा है 134, माइनस में आ रहा है। तो जब 10% से ट्राई किया तो 19,555 का डिफरेंस आ रहा था, 13% से ट्राई किया तो माइनस में आ रहा है। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 13% के आसपास है, या तो 13% होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, ओनली 134 रुपीज डिफरेंस। यहाँ पे 2,79,866, जो 2,80,000 हम बोल सकते हैं। तो 13% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर बोथ द वैल्यूज आर इक्वल,
नो डाउट 134 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से वो फॉर्मूला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी वो यूज करनी पड़ेगी। उस लंबे कैलकुलेशन में नहीं जाना हो तो ये डिफरेंस जब 100-200 रुपया हो तो आप IRR को वही मान सकते हो। तो हियर IRR इज 13%। तो एज्यूम दैट R इज 10%, नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% डिस्काउंट रेट इज 19,600, सॉरी 19,555। ये वाली वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की वो इतने आई, 19,555। सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीज डिस्काउंट रेट, ये पॉजिटिव आ रहा है तो डिस्काउंट रेट ज्यादा ट्राई किया, मतलब हमने 10 से अब 13 ट्राई किया था, ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया। तो 10, अब हमने क्या किया, 10% से हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था तो बाद में हमने 13% ट्राई किया, तो 13% से जब हम ट्राई कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो ऊपर है 13, -134 वैल्यू आ रहा है, -134। सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज फेयरली क्लोज टू जीरो, मतलब -134 है तो ये वेरी नियर टू जीरो है, डिफरेंस 100-200 रुपए का है एट 13%। देयरफॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। तो यहाँ पे आप 13% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो। तो दिस इज अबाउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसमें मैंने आपको दो सर एक्सरसाइज, इसमें प्लस माइनस कितना चलेगा? 100-200 रुपए का डिफरेंस चलेगा। देखो यहाँ पे 134 आ रहा है, प्लस नहीं, ये माइनस में है, +134 होगा तो भी चलेगा ना? हाँ +134 भी चलेगा, -134 मतलब 200 रुपए तक चलेगा। अगर ये +200 भी आता तो भी चला लेते हम, जब हम नहीं, अब लाखों टू का, हंड्रेड प्लस हुआ तो हाँ अगर वो 200+ होता तो भी चला लेते, क्योंकि अगर नहीं, आप फिर मान एग्जैक्ट, लीजिए 250+ हो गया या 500 माइनस हो गया तो फिर क्या करेंगे? हाँ अगर आप 500 माइनस है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया रेट ट्राई करना पड़ेगा, या तो आप वो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला से दोनों के बीच का रेट फाइंड कर सकते हो। नहीं तो ये प्रॉब्लम यही खत्म हो जाता है। हाँ तो आपको क्या करना है, 200 रुपए तक का डिफरेंस है प्लस माइनस, तो फिर ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है और वहीं पे स्टॉप हो जाना है। माइनस या प्लस 200 तक का डिफरेंस है, या तो 250 का डिफरेंस है, और अगर आप चाहो तो आगे और रेट भी ट्राई कर सकते हो, पर टू सेव द टाइम वी कैन स्टॉप देयर। आप चाहो तो अलग रेट ट्राई कर सकते हो, 14% या तो 12%, फिर से यही कैलकुलेशन रहेगा, उसमें भी डिफरेंस तो आएगा ही। सो बेटर, क्योंकि एग्जेक्ट एग्जेक्ट परसेंटेज नहीं मिलेगा, वो 12.97 आएगा या तो 12.90 आएगा या तो 13.5 आएगा, तो वो फॉर्मूला से आएगा। तो बेटर व्हेन द डिफरेंस इज ऑफ 200 और 250 प्लस माइनस, देन यू कैन स्टॉप देयर एंड यू कैन एज्यूम दैट दिस 13% और व्हाट एवर रेट इज नियर दैट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने यहां पे वो फॉर्मूला फिर से बताई है, सिस्टमेटिक वे में लिख के बताई है, फॉर्मूला से भी करके ट्राई किया है, देख लेते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू R1, मतलब लोअर डिस्काउंट रेट 10%, इसको प्लस करो आप। ये दूसरी फॉर्मूला है, वो वाली फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ये वाली फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे। अगर फॉर्मूला ट्राई करना है तो, अगर नहीं करना है तो आप वहां पे स्टॉप हो सकते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 जो आपके हायर रेट से आया होगा, मतलब 13% वाला,
इसको मल्टीप्लाई करना है आर टू माइनस आर वन। आर टू क्या है? हायर डिस्काउंट रेट 13%, आर वन क्या है? लोअर डिस्काउंट रेट 10%। कोई भी दो रेट ले लो, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, आंसर जल्दी मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू वन, दैट इज द हायर डिस्काउंट रेट वाली नेट प्रेजेंट वैल्यू। माइनस करो नेट प्रेजेंट वैल्यू टू, लोअर परसेंटेज वाली नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पे अच्छी तरीके से समझ लो, आर वन लोअर डिस्काउंट रेट है, आर टू हायर डिस्काउंट रेट है। आर वन मतलब 10%, आर टू मतलब 13%। एनपी वन, अब उससे रिवर्स, एनपी वन हायर डिस्काउंट रेट वाला प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस, और एनपी टू लोअर डिस्काउंट रेट वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगर हम उसको यहां पे रखते हैं, तो आर वन लिख दिया है 10% लोअर डिस्काउंट रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द हायर रेट जो हमारा आ रहा था, नाइनटीन थाउजेंड फाइव फाइव फाइव, सर हायर डिस्काउंट रेट सर 134 आ रहा था ना माइनस में। अच्छा यहाँ लिखने में कुछ गलती है, चलो मैं कर देता हूँ उसको। हाँ, 134 आ रहा था हायर वाला। 1 मिनट, हाँ थोड़ा प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक है। एनपी वन हमारा हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू है। एंड डिराइव्ड फ्रॉम R1 ही है हाँ, आर वन से जो डिराइव किया है कुछ, तो फिर वो एक मिनट, हाँ हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो अमाउंट ज्यादा आ रहा है। यस यस यस, तो इसमें कोई, फिर से समझा देता हूँ। आप जब लोअर डिस्काउंट रेट ट्राई करोगे, जैसे कि 10% ट्राई करोगे, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर आएगा। सॉरी, ये बोलना चाह रहे हैं, सॉरी। तो हमने 10% जब हमने ट्राई किया, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर आ रहा है, 19,555। ओके, इस सेंस में बोल रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम करेक्शन में, ऐसा समझ सकते हैं कि एनपी वन इज एट आर वन, आर वन वाला एनपी वन है, मतलब वन वन का कॉम्बिनेशन है। तो व्हाट वी कैन से, आर वन उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो एनपी वन है, और